जी, तो अब हमारे पास अगला सवाल आ गया जी। एक्सप्लेन वन वे अ बिजनेस माइट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो ऑफ कोर्स ये आपको पता ही है, एक नंबर नॉलेज का, और दो एप्लीकेशन के, एप्लीकेशन लेवल टू पे जाना है और नॉलेज लेवल वन पे रहना है। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है। वन वे अ बिजनेस वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी विल बी यूजिंग ऑफ ऑटोमेशन, यूजिंग ऑफ इक्विपमेंट सच एज रोबोट्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स कंट्रोल बाय सॉफ्टवेयर विच विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अच्छा, ये विच विल को छोड़ देते हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। ये इन्होंने क्या किया, लेवल वन शो किया है। मेंशनिंग अ बिजनेस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द सिलेबस इज लेवल वन नॉलेज। तो उन्होंने कैम शो किया और कैम को डिफाइन भी कर दिया, लेवल वन आ गया। तो मैं इस पे लिख देता हूं, लेवल वन नॉलेज। आगे आगे कह रहे हैं विच विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या करें, आगे डेवलपमेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, विच विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज मशीन डू नॉट रिक्वायर, या चलो डज नॉट होना था, रिक्वायर ब्रेक्स इन बिटवीन विच रिजल्ट इन फास्ट प्रोडक्शन, सो द कस्टमर्स नीड वुड बी मेट। खैर, थोड़ा ग्रामर का मसला चल रहा है, वैसे ठीक है। वुड बी मेट ऑन टाइम विच विल रिजल्ट इन गुड ब्रांड इमेज एंड मोर सेल्स। अच्छा, मुझे कोई बच्चा है बताए कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात हो रही है, लेवल वन नॉलेज मिल गया। एप्लीकेशन मैं जरा ऊपर कर देता हूँ, एप्लीकेशन है नहीं है, लेवल वन है लेवल टू है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। जी, ये उमर आप कह रहे हैं सर, कैन बी राइट ट्रेनिंग और एम्प्लॉइज इन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देन एक्सप्लेन इट। यस, क्यों नहीं कर सकते, आपने तो एफिशिएंसी बतानी है ना, वो ट्रेनिंग से भी हो सकती है। जी, इसमें एप्लीकेशन मौजूद है कि नहीं है, और है तो कौन से लेवल की है, क्या कहते हैं? इसमें एप्लीकेशन नहीं को बताएगा तो फिर मैं मुझे बोलना पड़ेगा। उसने ये बताया है कि मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन करके टाइम पर चीजें दे सकें, तो या फास्ट प्रोडक्शन कर सकें। तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन उसको जरा कैरी ऑन किया जा सकता था। मतलब कि आप ये कह सकते थे कि आप, मैं जैसे लिखता हूँ, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन डू नॉट रिक्वायर ब्रेक्स इन बिटवीन विच रिजल्ट इन फास्ट प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग रॉ मटेरियल। क्योंकि अब पता चल रहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट है कि रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कैम इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से जल्दी काम रिवर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख देता हूँ, फिनिश प्रोडक्ट विदाउट वेस्टिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, तो उससे कस्टमर की डिमांड टाइम पे पूरी। अब समझ आती है बात की कि लेवल टू एप्लीकेशन बनती है। तो मैं क्या करूंगा कि इनको नंबर दूंगा जी, एप्लीकेशन के नंबर हैं लेकिन लेवल वन इस्तेमाल किया लेकिन उसको अच्छे से कैरी ऑन नहीं कर सके आगे। अगर मैंने जो वर्ड्स अगर ये लिख देते जो मैंने लिखा है तो लेवल टू पे पहुंच जाते। अच्छा, तो मैं इनको यहाँ पर अब नंबर दे रहा हूँ जी, तीन में से दो नंबर। ठीक है जी, लेवल वन एप्लीकेशन, लेवल वन नॉलेज। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे एनालाइज इनका नहीं था, ये इन्होंने भी अटेम्प्ट करके दिया हुआ है क्वेश्चन। बहरहाल हम आगे चलते हैं जिनके सवाल थे। अच्छा, आगे आगे हम जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 किसने किया जी, जुर्वा ने, और मिनाल ने भी किया हुआ है। तो जुर्वा, आपको ए दिया था या बी दिया था, पहले ये बताओ। सर मुझे बी मिला था एडिट वैल्यू वाला। अच्छा, मिनाल जफर, आपको बी मिला था? जी सर। नहीं, वो बी नहीं था, एडिट वैल्यू ए था, वो ए है। सर वो अच्छा, मुझे भी मिला ए। था। अच्छा अच्छा जी, अहमद, हाँ अहमद, आपने भी भेजा हुआ ए। जुर्वा, आपको क्या क्वेश्चन जी, भेजा था? जुर्वा आपने वैसे ही किया है शायद, है ना, पांचवा पूरा। जुर्वा भी नहीं है शायद, सफिया जी बोले आपने। सर। अच्छा चलो, वो मैं अलग से कर सकता हूँ, क्लास में तो मुश्किल हो जाएगा ना डिस्कस करना सबके। हाँ जी सफिया, क्या कह रही हो आप? तो मैंने भी क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया है। आपने, आपको असाइन किया था? जी सर, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 असाइन किया था। ठीक हो गया, देख लेते हैं इसको भी।
जिनको साइन किया ना कोशिश करें वही करें, बाकी जो भेजेंगे मैं फारिक टाइम में कोशिश करूंगा उन्हें चेक किया करूं। नॉर्मली वीकेंड ही हो सकता है, क्लास में मैं उनके क्वेश्चन चेक नहीं कर पाऊंगा जिनको साइन नहीं किया और वो कर रहे हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन क्लास का टाइम लिमिटेड होता है ना, तो वो बाद में फिर आप मुझे अलग से भेज सकते हैं। जैसे जुड़वा आपने भेजा हुआ, आपका फोल्डर मैंने बनाया हुआ, इंशाल्लाह ताला जरूर चेक करके दूंगा जब मैं टाइम मुझे मिलेगा वीकेंड पे। अच्छा, डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी, इसको मैं रेड कर दूं ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। एफिशिएंसी इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट एट द हायर रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। अब एफिशिएंसी रेशियो है, अब एफिशिएंसी लो है या हाई है इसकी बात नहीं हो रही। एफिशिएंसी इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट एट द हाईएस्ट रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। अब यहां पर आपको मैं दो नंबर दे दूंगा, पता क्यों? हाईएस्ट का नहीं पूछा था, लेकिन आपने लिख दिया कि आउटपुट की रेशियो, वो रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, तो आपने मुकम्मल बात कर दी हुई है। हाईएस्ट कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नंबर आपको मिल गए। हाईएस्ट तब होगा जब लिखा होता है हाई एफिशिएंसी या लो एफिशिएंसी। अच्छा आगे, वन वे के, अच्छा आगे एक्सप्लेन वन वे या बिजनेस माइट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। वन वे कैन बी थ्रू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है जी। अच्छा, यूज ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट, लेवल वन नॉलेज यूज कह रहा हूँ, मेंशनिंग ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब आप यूज करेंगे डेवलपमेंट में तो फिर वो लेवल टू नॉलेज बन जाता है, पर लेवल टू चाहिए नहीं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होल्ड इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, हेंस देयर रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स कुड बी परचेज्ड एंड हेल्ड इन स्टोरेज अंटिल दे आर यूज्ड इन प्रोडक्ट। अच्छा, दीज इन्वेंट्रीज कैन बी सेंड टू द प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोडक्शन क्विकली इन केस ऑफ चेंज इन कंज्यूमर ट्रेंड्स इन फेवर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एज अ रिजल्ट द बिजनेस विल बी एबल टू मीट इंक्रीज इन डिमांड बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रोडक्शन क्विकली। अच्छा, अब यहाँ एफिशिएंसी को शो कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या एफिशिएंसी जो है वो इस चीज का नाम है कि डिमांड जल्दी से मीट कर देना? एफिशिएंसी में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, डिमांड मीट कर रहे हैं ठीक है, इट विल रिजल्ट इन मीटिंग डिमांड क्विकली, लेकिन एफिशिएंसी में एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो क्या है कोई बताएगा? कब कहते हैं एफिशिएंसी है, कोई बता सर सकता है? इट मिनिमम यूज करना और आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए। तो इससे नतीजा क्या निकलेगा? इससे नतीजा निकलेगा लोअर कॉस्ट। जब आप मिनिमम इनपुट इस्तेमाल करेंगे और मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम एफिशिएंसी ज्यादा है तो कॉस्ट का कम होना जरूरी है जब हम एफिशिएंसी की बात करें, क्योंकि सवाल क्या है, वन वे या बिजनेस माइट इंक्रीज द एफिशिएंसी। अब वो बात आ गई, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो आपको कॉस्ट कम करनी है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है, कैसे करें आप? तो आपने इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं, आप कह सकती थी कि इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं और राइट टाइम पर वो अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जैसे आपने लिखा हैंड देयर रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स कुड बी परचेज एंड हेल्ड इन स्टोरेज अंटिल दे आर यूज्ड इन प्रोडक्ट, दीज इन्वेंट्रीज कैन बी सेंड टू द प्रोडक्शन क्विकली। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज, रादर देन बाइंग इट ऑन द स्पॉट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रादर देन, कि अगर आपने नहीं रखी हुई इन्वेंट्री पहले से, रादर देन बाइंग इट ऑन द स्पॉट, के अचानक डिमांड बढ़ गई, ठीक है, ऑन द स्पॉट, ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ती है। ऑन द रादर देन बाइंग इट ऑन द स्पॉट एट अ हायर प्राइस, एट अ हायर प्राइस, ठीक है, तो इन केस ऑफ चेंज इन कंज्यूमर डिमांड इन फेवर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है, लीडिंग टू, मैं आगे लिख रहा हूँ, लीडिंग टू लोअर कॉस्ट, ठीक है, ये लोअर एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी अचीव हो रही है आपकी। एज अ रिजल्ट इन द बिजनेस विल बी एबल टू मीट इंक्रीज इन डिमांड बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रोडक्ट। ये आप आगे चली गई, हमने एफिशिएंसी की बात ही करनी थी, जहां कॉस्ट कम हो रही है वो काफी है हमारे लिए। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आपने रॉ मटेरियल का भी वर्ड इस्तेमाल किया, कंपोनेंट स्टोरेज में रखे हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर रही हो एप्लीकेशन को, ठीक है। 5 नंबर का है तो आपको लेवल वन नॉलेज तो मिलता है, बिल्कुल सही, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन भी बिल्कुल है और आप उसको अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रही हो कि स्टोरेज करें कंपोनेंट्स को ताकि वो बाद में डिमांड बढ़े, तो इसका मतलब है आप ने एप्लीकेशन जो इस्तेमाल की, मैन्युफैक्चरिंग चूंकि मौजूद है तो मैन्युफैक्चरिंग को ही यूज कर रहे हैं, तो लेवल टू एप्लीकेशन आपने अचीव की, उसी को ड्रैग किया आपने अपनी डेवलपमेंट में।
मैन्युफैक्चरिंग में चूंकि कंपोनेंट्स आते हैं तो उसी को आप इस्तेमाल कर, रॉ मटेरियल आता है, तो बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब अगर जहां तक बात करूं डेवलपमेंट की, तो चूंकि एफिशिएंसी तक जाना था तो वहां इशू आया। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, स्टोरेज में रहेगा, जिससे आप टाइम पे डिमांड पूरी कर पाएंगे या क्विकली कर पाएंगे, उससे कॉस्ट कम हो रही है ये पता नहीं चल रहा। इसका मतलब है डेवलपमेंट जरूर है लेकिन वो एफिशिएंसी की डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो आपने एफिशिएंसी से आगे निकल गए कि डिमांड क्विकली मीट होगी और आप प्रोडक्शन क्विकली कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको लेवल वन एनालिसिस ही करूंगा, क्योंकि चेन जो है वो नहीं बनी हुई किसकी, कॉस्ट की, यानी कि आपको चेन बनानी थी कॉस्ट तक की, यानी कि आप अगर रॉ मटेरियल बाय कर लेती हो पहले से स्टॉक करके रखती हो, और इन्वेंट्री आपने मैनेज ऐसे की हुई है कि अगर डिमांड बढ़ती भी है तो आपके पास इन्वेंट्री होगी और आपको मौके पे बाय नहीं करना पड़ेगा, तो नहीं तो आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा तो आपकी कॉस्ट कम होगी। तो ये है चेन, यहां तक जाना था। तो लेवल वन एनालिसिस। जी सफिया, आप क्या कहना चाह रही? सर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो उसमें एनालिसिस नहीं है। ये तीन का वही ना, आगे पीछे कर रहे हैं। अच्छा, सॉरी, अच्छा ये तीन का ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो मेरी गलती है, फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपने जितना, अच्छा अब आपने, क्योंकि आपने डेवलपमेंट की है लेकिन आप कॉस्ट की तरफ नहीं गई, बात तो एफिशिएंसी की थी ना, तो लेवल टू एप्लीकेशन आपकी फिर भी मैं काउंट कर लूंगा यहाँ पर, क्योंकि आप जो है वो रिलेट कर रही हो डेवलपमेंट के साथ कि वो क्विकली काम हो रहा है, तो क्विकली में माना के कॉस्ट की बात हो रही है, माना आपने चूंकि चेन नहीं बनाई उसमें कॉस्ट की बात आ जानी थी, आपको यहाँ पर तीन पूरे नंबर मिल जाते हैं, नो इश्यूज। अच्छा, तो इसके बारे में मैंने बता तो दिया कि वो लोअर कॉस्ट वाली बात लिखी जा सकती थी। अच्छा खैर, एनीवे मैं इसको हटा भी सकता हूं लेकिन हटा नहीं रहा। ये बात हो गई थी पूरी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन 5 के ऊपर, और 5 वाला भी जुड़वा आपका मैं देखूंगा बाद में, पहले देख लेता हूँ। मिनाल जफर है और अहमद भी है। अच्छा चलें, पहले जुड़वा का ही देख लेते हैं, 5 का एक देख लेते हैं। जुड़वा आपने कोई और क्वेश्चन नहीं किया, बस यही किया था, आपको 8 वाला दिया था ना मैंने। सर मैंने 12th वाला भी किया है। नहीं, आपको साइन कौन सा किया था? सर आपने असाइन में जो 12th वाला किया था। 12 वाला किया था आपने, तो अच्छा फिर आपका 12, 8 वाला बाद में देखता हूँ, तो या चलो अब किया ही हुआ था, चूंकि अच्छा लिखती हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि इनका आंसर आप बाकी बच्चे जरूर देखें। अच्छा, एनालाइज टू वेज इन विच मार्केटिंग कैन ऐड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट, तो अब लिखा उन्होंने एडेड वैल्यू रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। अच्छा 12 वाला किसी ने किया, और मैं देख लूँ एक मिनट, 12 वाला किसने किया, और 5 आपने किया हुआ सर है, मैंने 5 किया हुआ है। सर हाँ आपने शायद, श्याम हाँ आपने किया हुआ है, 7 वाला पर हसन मेहदी का है। अच्छा ओके, इसको जल्दी से देख लेते हैं जी। आई डेड सॉरी, अब्दुल्ला जायद आपने भी किया हुआ है, ओके ऑल राइट, आता हूँ सिर्फ। अच्छा एडेड वैल्यू रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ, अच्छा ब्रॉट नहीं लिखना, बॉट, ठीक है ना, तो सही है डेफिनेशन आपकी, तो आपने लेवल वन नॉलेज ही शो की है। तो ऑफ कोर्स इसमें हमें जैसे पता है कि हमने क्या करना होता है जी, नॉलेज के दो नंबर हैं, लेवल टू पे जाना है, तो ये लेवल वन नॉलेज है अभी तक इन्होंने शो किया है, लेवल वन नॉलेज। आगे जल्दी से पढ़ देते हैं। अच्छा ये मैं इसको रेड भी कर दूं ना तो अच्छा है, सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे लिख रही है जी इम्प्रूव क्वालिटी। अच्छा ठीक है, उन्होंने हाईलाइट किया मैंने नॉलेज शो की है, ये भी लेवल वन ही होती है। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग इज टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द आइडियल पैकेजिंग फॉर अ सर्टेन, अच्छा दैट कैन बेस्ट सेटिस्फाई एंड अट्रैक्ट पीपल सच एज इन केस ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग बिजनेस। वेरी गुड, इन्होंने खुद से कॉन्टेक्स्ट बनाया, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं हुआ ऊपर। वो लिखा हुआ है। अच्छा प्रोडक्ट दैट मैन्युफैक्चरर्स ईटेबल्स लाइक टेट्रा मिल्क विच मस्ट बी स्टोर्ड इज गुड क्वालिटी पैकेजिंग एज द कस्टमर्स आर एक्स्ट्रॉर्डिनरीली कॉशियस रिगार्डिंग देयर हेल्थ, देयर फोर वंस द पैकेजिंग वुड बी ऑफ इम्प्रूव क्वालिटी ये एज इन अकॉर्डेंस टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर, देयर आफ्टर द बिजनेस वुड बी एबल टू चार्ज हायर प्राइसेस फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, हेंस अलाइंग द बिजनेस टू एड वैल्यू टू इट्स प्रोडक्ट्स विच इन टर्न हेल्प टू कवर द डे टू डे एक्सपेंसेस। अच्छा इसकी जरूरत नहीं थी ये, खैर इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी मल्टीपल ओकेजन पे इन्होंने जो है ना वो
कनेक्शन शो किया है, चेन बनाई है बहुत लंबी सारी तो हमें नजर आ रहा है, और इन्होंने कॉन्टेक्स्ट शो किया है और कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया है। दोबारा बता रहा हूँ, इन्होंने खाली मिल्क को मेंशन नहीं किया, इन्होंने बताया है कि मिल्क जो है वो लोग बड़े कॉशियस होते हैं हेल्थ के बारे में, मामले में मिल्क के हिसाब से, तो इन्होंने लेवल टू एप्लीकेशन भी अचीव किया है। लेवल टू एप्लीकेशन भी अचीव किया इन्होंने, राइट, और इन्होंने लेवल टू एनालिसिस भी अचीव कर लिया। एनालिसिस भी अचीव कर लिया, कैसे किया? एप्लीकेशन तो मैंने बता दिया आपको कि मिल्क लिखकर आगे बताया भी है कि मिल्क हेल्थ के लिए लोग कॉशियस होते हैं, और अगर आप चेन देखें तो चेन में उन्होंने कहा है कि ये जो देर फोर है ना यहाँ से, कि वो इम्प्रूव क्वालिटी मिलेगी। अच्छा, इम्प्रूव क्वालिटी अगर वो मिल रही है, एड वैल्यू कर रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है, उससे वो ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव होने से प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेंगे, और प्राइसेस ज्यादा चार्ज करने से वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो दो कनेक्शन नजर आ रहे हैं कि मिल्क की पैकेजिंग को इंप्रूव करने से, यानी क्वालिटी इंप्रूव करने से क्या होगा। अच्छा, और सवाल चूंकि इंप्रूव क्वालिटी का है ना, तो इन्होंने दो कनेक्शन बनाए हुए हैं, तो लेवल टू पे चली गई। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं अगले पे, तो कंडक्टिव कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, सॉरी, It is essential that the marketing environment ensures that the retailers are well informed and well behaved, especially in case of tertiary sector business. अब इन्होंने context tertiary sector का इस्तेमाल कर दिया, where the retailers are able to efficiently address to the concerns of the customers, thereby helping to ensure better customer service at the retail outlet that allows the business to increase the price of its products, which result into a significant gap between the selling price of the finished goods and the cost of bought material. Thus, in turn, helps to add value to the product, thereby leading to greater profit for the business. ये एंड पे प्रॉफिट तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एड वैल्यू काफी है। ऊपर भी आपने ये किया है, ठीक है, फाइन, एक्सपेंसेस मीट कर पाएंगे। उन्होंने कहा वैल्यू कैसे ऐड करनी है, वो ऐड हो रही है। अच्छा, एक बार मैंने लकाश को ऐड कर लिया है क्योंकि टाइम हो गया है A2 का, तो ये पूरा। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं, लकाश आपको ऐड कर लिया मैंने, लेकिन अभी इसकी क्लास ही चल रही थी, तो थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये बताना है मैंने कि इन्होंने अगर देखें तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है रिटेलर्स कि वो वेल इन्फॉर्म्ड हो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने वेल इन्फॉर्म्ड बनाना है, सवाल ये है पहले, ये मुझे बता दें, वर्कर्स अगर वेल इन्फॉर्म्ड हैं तो ये क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन है, तो बताएं मुझे, इज इट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड देम द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट? किसका काम है, को बताएगा बच्चा? जी सफिया, सर, यहाँ पे कौन से वर्कर्स की बात हो रही है, जो कि कस्टमर से डील कर रहे हैं या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं? तो कस्टमर को डील कर रहे हैं क्योंकि सर उन्होंने वो कहा है, एचआर, हाँ, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में उन्होंने मेंशन किया, टर्शरी सेक्टर, अगर ये टर्शरी सेक्टर ना मेंशन करती तो ये काम एचआर का होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या जो क्लाइंट्स को डील, जो कस्टमर्स को डील करना है वो वेल इन्फॉर्म्ड है, ये मार्केटिंग का काम है? सवाल ये, कंसर्न्स को एड्रेस करना मार्केटिंग का काम है। अगर मैं कहूं तो ये गलत हो सकता था अगर ये टर्शी सेक्टर ना बताती, क्योंकि नॉर्मली अगर वर्कर वेल ट्रेन है तो ये एचआर का काम होता है, लेकिन इन्होंने जब ये कहा कि वर्कर्स के कंसर्न्स, तो कंसर्न या कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन होती है दैट इज पार्ट ऑफ द सेल्स, और ये मार्केटिंग में आता है, सेल्स इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग, तो इसलिए इस लिहाज से इनका ये आंसर कॉन्टेक्स्ट में है, और इन्होंने सही बात की है कि अपना कस्टमर सर्विस इससे इंप्रूव हो रही है और वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकती हैं। अदरवाइज ये ट्रेनिंग देना ये काम नहीं है मार्केटिंग का, लेकिन सर्विस सेक्टर में मार्केटिंग ये ओवरलैपिंग हो जाती है, तो इस लिहाज से अगर हम गौर करें तो इन्होंने बेतहाशा कनेक्शन बनाए हैं, लेवल टू एनालिसिस इन्होंने अचीव कर लिया है। एप्लीकेशन की बात करूं अगर, तो टर्शी सेक्टर की बात की और बाद में कहा कस्टमर्स को अटेंड करना है उन्होंने, और वो प्राइसेस, कस्टमर सर्विस अच्छी देनी, कस्टमर सर्विस की बात भी की है, तो इन्होंने लेवल टू, सॉरी, ये 8 नंबर का है शायद, है ना, हाँ 8 नंबर का है, लेवल टू चाहिए नहीं था लेकिन लेवल टू आया हुआ है, तो मैं इसको ना लेवल वन ही रखता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि चाहिए वही था ना, मैंने आपसे कहा था मैं वही रखूंगा लेवल 1। ऊपर भी गलती हो गई, मैंने लेवल 2 लिख दिया, है तो लेवल 2 लेकिन हम लेवल 1 ही लिखेंगे कि अचीव हो गया। लेवल 1 एप्लीकेशन भी है और
लेवल टू एनालिसिस भी आ गया, तो इनको 8 में से 8 नंबर क्या मिल सकते हैं? सवाल ये है, क्या इन्होंने लेवल 1 नॉलेज बिल्कुल अचीव कर लिया, लेवल 1 एप्लीकेशन अचीव कर लिया, लेवल 2 एनालिसिस, चेन ऑफ एनालिसिस बनाया, बिल्कुल बनाया, तो इनको नंबर मिल गए 8 में से 8, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना ही नहीं था, मेंशन कर दिया ना टर्शियरी सेक्टर में, काफी है, इतना ही काफी था, तो इनको नंबर मिल गए 8 में से 8। अच्छा, अब आगे आ गया हमारे पास 12 वाला, बहरहाल अब उसका टाइम नहीं है, तो इसको हम देखते हैं आगे अगली क्लास में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको शायद वीकेंड पे कोई टास्क भी असाइन कर दूं और अगले पेपर्स का, और इसको हम जल्दी कवर कर लें, या अगर वीकेंड पे हो सका कोई क्लास रख ली, श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं आई लेट यू नो, ठीक है? अभी यहीं जी तक सर, ही बात, ये मेरा 8 वाला देखे आपने? अब मैं बता दूंगा बाद में आपको। ओके, खुदा हाफिज।